आराधना की दृष्टि से बातचीत आदि करने का एक निमित्त मिलता रहता है। उन सबसे हम चारों की तरफ से हम क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो भी संघ के सदस्य बैठे हैं या यहाँ पर जो नहीं भी हैं, तो भी मन से, वचन से और काया से हम सकल संघ से बहुत बहुत क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि क्षमा वीरों का भूषण है। क्षमा वीरस्य भूषणम्। वर्तमान में तो लोग क्या कहते हैं कि मनसा हमारी गलती नहीं है, और जो भी हम किसी से क्षमा याचना करें ना, तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि देखो कहीं गलती थी, तभी ये हमारे सामने झुका है। और व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए ना, तो वर्तमान में हम सरल की बात है, यदि आप कहीं जा रहे हो और आपके पांव से किसी के पांव पर टक्कर लग जाए, आप क्या बोलते हो? एक्सक्यूज मी बोलते हो, तुरंत बोलते हो। या आप कि मुझसे कुछ गलत निकल जाए, तो आप क्या बोलते हो? सॉरी। ये शब्द आजकल बहुत कॉमन हो गए, व्यवहारिक जगत में तो बहुत कॉमन है, पर असल में जिनसे हमारा मन नहीं मिल रहा है, जिनको हम देखना भी नहीं चाहते हैं, या जिनकी कुछ अच्छाइयां हमें नहीं सुहाती है, आज असली में तो उनसे हमें क्षमा मांगना है। उनसे हमें अपने हृदय से हृदय, गले से गले लगा करके आज हमें उनके साथ में प्रेम बढ़ाना है। और ये जो क्षमा अपना का जो एक परिपाटी है ना, प्रतिक्रमण करने के बाद, बिल्कुल नहीं। वो तो सकल संघ से, जिनसे हमारा कोई कटु व्यवहार है ही नहीं, जिनसे हमारी कटुता है, चाहे वो आंशिक भी है। कई बार ऐसा होता है, कोई लड़े झगड़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस अकारण ही हम बोलना छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं होती है, एक बार सामने वाले ने बात की थी तो दूसरी बार हम उनसे बोलना छोड़ देते हैं, और ये नहीं बोलने की वजह से भी कई बार हमारी शत्रुता बढ़ती रहती है। तो प्रतिक्रमण करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आज की आराधना को आप सफल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चाहे वो क्षमा आपको प्रदान करे या ना करे, आपके सामने आंख उठाकर देखे या ना देखे, फिर भी आपको क्षमा मांगनी है कि मेरे कोई व्यवहार से आपके मन को ठेस लग रही है, तो मैं आज उस वर्ष भर के किए गए अपराधों से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। नहीं तो क्या होगा, एक वर्ष क्षमा याचना रहेगी, दूसरे वर्ष वो वैर की गांठ बढ़ती रहेगी। ज्ञानी कहते हैं एक बार कैंसर की गांठ को खत्म करना हमारे हाथ में नहीं है, पर वैर की गांठ को खत्म करना तो हर व्यक्ति के अपने हाथ में है। और हमें आज के